जो आपके पास जो ये जो डेटा दिख रहा है, मैंने तीन डेटा बनाया, सेल्स का, प्रोडक्ट का और कस्टमर का। ये जो सेल्स डेटा है मेन टेबल है, इसमें क्या है कि कस्टमर की आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, सीआईडी एंड क्वांटिटी। अब प्रोडक्ट आईडी से टू है, तो टू जो प्रोडक्ट आईडी, इसकी डिटेल आपको दिखेगी। टू जो है वीपी, और इसकी एमआरपी 3625, और इसके और भी डिटेल हो सकते हैं। फिलहाल मैंने छोटा बनाया ताकि आप इसको अच्छा समझ सके, राइट। उसी तरह से अगर कस्टमर की बात करें तो यहाँ पे सीआईडी 5 है, इसकी 49 क्वांटिटी है। तो सीआईडी की पूरी डिटेल पांचवा नंबर पे क्या है, रवि है, पटना में है, और इसके और भी जो चीजें हैं वो है यहाँ। अब यहाँ पे मुझे पिवट टेबल लगाना है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, लेकिन मैं यहाँ जानना चाह रहा हूं कि किस प्रोडक्ट की किस सिटी में कितना सेल हुआ है। तो एक काम करते हैं, सिटी हटा देते हैं, हम बात करते हैं, मुझे रिपोर्ट चाहिए प्रोडक्ट के बाय, प्रोडक्ट के हिसाब से कि एक्सल का इतना सेल है, वीवी का इतना सेल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे डेटा में प्रोडक्ट की आईडी है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ वी लुकअप लगाना वी होगा। लुकअप क्या चलिए वी लुकअप लगा देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, हम पेपर लगा देंगे। पर मान लीजिए कि तीनों जो डेटा है, डेटा बार बार अपडेट होता है, आप इसको बार बार कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो, कहीं से लिंक करते हो, तो एवरी टाइम ये डेटा अपडेट होता है, तब क्या करेंगे, हर बार आपको वी लुकअप लगाना पड़ेगा, राइट सर। वो सर अपने तरीका वीलुकअप ने सिखाया था ना, एरे यूज करने का। और सर एरे यूज कर लेंगे फिर भी आपको वी लुकअप पर डेटा, जैसे नीचे डेटा बढ़ेगा तो वी लुकअप को नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा ना आपको सर। हाँ वो तो करना पड़ेगा। ये तो ये हो गया ना, ऑटोमेशन तो नहीं हुआ ना फिर। दूसरा करेक्ट। मान लीजिए कि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा कॉलम है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, डेटा हेवी हो जाएगा। कनेक्टेड है, लिंक डेटा में प्रॉब्लम होगी, लिंक डेटा में वी लुकअप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने कि टेबल फॉर्मेट में होगा, टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा, आपका दिक्कत हो जाएगी, जब रिफ्रेश होगा तो वो आपके हिसाब से अरेंज नहीं होगा। सो प्रॉब्लम है वी लुकअप में, मान लीजिए इस बात को, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सारा जो कनेक्टिविटी है वो पिवट के अंदर ही हो जाए। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप पिवट जब लगाएं, सिलेक्ट कीजिए पहले डेटा को पिवट टेबल, और यहां नीचे आपको दिख रहा होगा एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, क्लिक किए, आ गया सर। अब इसमें हम वापस जाएंगे दूसरे सीट, जो प्रोडक्ट सीट है, उसमें हम पिवट टेबल लगाएंगे और एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर देंगे, आ गया सर, दोनों लग गया पिवट। बट यहां पे देखेंगे ऑल, एक एक्टिव है, उसके बगल में ऑल है, ऑल में आपका रेंज और रेंज वन, जो रेंज है वो क्या हो गया आपका सेल्स का, सेल्स डेटा से लगा हुआ पिवट, और यहां ऑल करते हैं, यहां पे रेंज वन करते हैं, तो ये प्रोडक्ट से लगा हुआ पिवट है। लेकिन अभी मान लीजिए कि मैं यहां से प्रोडक्ट का नेम ले लिया तो लिस्ट आ गई, और मान लीजिए मैं क्वांटिटी रख दू तो यहां पे सारा क्वांटिटी इकट्ठा आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें रिलेशनशिप नहीं किया है। तो रिलेशनशिप करने के लिए क्या करना होगा, रिलेशनशिप करने के लिए मुझे पिवट टेबल एनालाइज में आप देखेंगे ये रिलेशनशिप पहले जो डीएक्टिवेटेड था अब एक्टिवेटेड हो गया है। इस रिलेशनशिप पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और यहां जाना है रेंज, और रेंज की यहां हम देते हैं, मैंने रेंज मतलब कि सेल्स, सेल्स की पीआईडी, रेंज वन मतलब कि प्रोडक्ट की पीआईडी के इक्वल है, सिलेक्ट कर लिया हमने, देन ओके, और वापस क्लोज कर देते हैं। मैं दोबारा बताता हूं कैसे करना रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, और फिर यहां पे अपने टेबल जो रेंज रेंज वन करके आते हैं उसको सिलेक्ट करना, और अपने हेडिंग को सिलेक्ट करना। अब मैं यहाँ पे अपनी रेंज से मतलब कि सेल्स वाले टेबल से मैं क्वांटिटी उठा के यहाँ रख देता हूँ, तब देखिए कि एक्सेस बीआई, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो एक्सेस यहाँ दिख रहा है इसका जो आईडी है उस आईडी के अकॉर्डिंग इसकी पूरी क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है।
गरिमा जी, मिलन जी, समझ में आया? हाँ सर, मतलब समथिंग विच इज विच कैन बी विदाउट वी लुक अप व्हाट वी कैन डू। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि मुझे सिर्फ क्या इसको यही नहीं करना है, मुझे इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी करना है, मुझे इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी करना है, तो कैसे करें? तो कैलकुलेशन करने के लिए या फिर मेरे पास बहुत सारे पिवट है, बहुत सारे डेटा है, 5-10-15 डेटा है, तो हर डेटा को रिलेट करना, पिवट लगाना, तो उतने शीट इंसर्ट हो जाएंगे तो दिक्कत होगा। उस केस में हम यूज करते हैं पावर पिवट। जी हाँ, पावर पिवट। तो पावर पिवट की जो आपका टैब है डिफॉल्ट नहीं होता है, एक टैब लाने के लिए आपको जाना होगा फाइल मेनू के ऊपर। फाइल मेनू बार में आप जाएंगे, कहां जाएंगे? ऑप्शन, एड इंस, यहां पे अपना कॉम एडिंस पे क्लिक करें, गो पे जाएं और फिर यहां से आप सिलेक्ट कर लें, कॉम एडिंस, गो और सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ओके करें, आपके सामने पावर पिवट का एक टैब आ जाएगा। अब मैं इसको मैनेज पे क्लिक करता हूं, मैनेज पे क्लिक किया, मैनेज पे क्लिक करते ही पिवट टेबल जैसा यहां पे आ जाता है। तो इसमें मैंने अभी डिफॉल्ट आपको यहां दिख रहा होगा, डिफॉल्ट मेरा ये रेंज 1 मतलब कि प्रोडक्ट है, तो यहां पे मैं इसको प्रोडक्ट लिख देता हूं, एक्सेल शीट की तरह हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं कि वापस एक्सेल की फाइल पे जाता हूं, सेल्स को पकड़ता हूं। अब मुझे जैसे जो हम इंसर्ट करते थे पिवट टेबल, तो यहां जो एड टू डेटा मॉडल आता था ना, तो मॉडल में ऐड करने के लिए हमें पिवट लगाने की जरूरत नहीं है। पावर बीआई में आप देखिए क्या लिखा हुआ, ऐड टू डेटा मॉडल। ऐड टू डेटा मॉडल जब करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो पावर बीआई पावर पिवट वाली जो कंसोल है ना, उस कंसोल में वो डेटा आ जाएगा, मतलब ये डेटा कॉपी होके या नहीं आएगा, लिंक होके आएगा और आपका डेटा से लिंक होके आएगा, राइट। उसी तरह से मुझे यहां कस्टमर को सिलेक्ट करता हूं और इंसर्ट इंसर्ट नहीं सॉरी ऐड टू डेटा मॉडल, इसको मैंने ऐड कर दिया। यहां पे हम कस्टमर, अब मुझे तीनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, तो होम के अंदर ही आप देखेंगे डायग्राम, अभी जो दिख रहा है डेटा व्यू दिख रहा है, जिसमें आपको डेटा दिख रहा है, इसके यहां पर देखिए डायग्राम व्यू होता है। डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे एमएस एक्सेस में क्यूरी में दिखता था ना, कुछ उस तरह से आपको दिख जाएगा। तो मेरा जो मेन टेबल कौन सा है, मेन टेबल सेल्स का है। अब इस सेल्स टेबल से मुझे इन दोनों में कनेक्टिविटी करनी है, तो हमने प्रोडक्ट को उठाया पीआईडी को और इसके पीआईडी पे छोड़ दिया। फिर मैं इसमें हमने क्या किया, हमने इससे सीआईडी को उठाया और इसके सीआईडी पे मैंने ड्रॉप कर, तो क्रिएट हो गया सर रिलेशन। अब डायग्राम व्यू में आते हैं और मेरा मेन टेबल सेल्स है। अब मान लीजिए मुझे इसमें एमआरपी लाके एमआरपी से अकॉर्डिंग, मैंने मुझे एमआरपी दिया हुआ है, मुझे इस पे एमआरपी यहाँ शो करना है या एमआरपी से मुझे अमाउंट शो करने है, सो मैं एमआरपी पहले लाता हूँ। तो जैसे कि एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं, ऐसे यहां भी फॉर्मूले हैं। यहां जैसे फॉर्मूला कौन सा है, रिलेटेड, यहाँ रिलेटेड का फॉर्मूला है, रिलेटेड लिया और रिलेटेड में हमने बोला कि प्रोडक्ट की एमआरपी। तो यहाँ रिलेटेड फॉर्मूला जस्ट लाइक वी लुकअप की तरह वर्क करेगा, इस प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग ये आपको टून के दे देगा, इसका लुकअप कर देगा। ये सारी चीज क्या होगी, पिवट के बैकएंड में हो, ओरिजिनल डेटा पे नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे फिर अमाउंट चाहिए, तो हम यहाँ पे अमाउंट और अमाउंट में हम यहां पे अमाउंट में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके अलावा और भी जीएसटी वीएसटी और भी बहुत सारे फॉर्मूले इसमें लगा सकते हैं। अब मुझे लास्ट में जाना है पिवट टेबल पे, हमने पिवट टेबल पे क्लिक किया,
एक नई सीट पे हमारा पिवट लग गया। अब मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर सिटी वाइज और सेल्स की क्वांटिटी, सॉरी अमाउंट चाहिए, हमने अमाउंट ले लिया और मुझे इसके स्लाइसर भी लगाना है। तो मैं पिवट टेबल एनालाइज पे इंसर्ट स्लाइसर, मैं चाहता हूं कि नेम वाइज स्लाइसर बन के आ जाए, ठीक है। तो तीन डेटा से मेरा पिवट लगा होगा। इंदर पे क्लिक करूंगा तो इंदर का आ रहा है, राइट सर। तो गरिमा जी, मिलन जी, समझ में आया आपको? सर एक बार थोड़ा तो आया, लेकिन हाँ। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा।